चैप्टर 9 में हमने पढ़ा कि फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, जिसमें हम देख रहे थे कि लाइट की नेचर और बिहेवियर क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स जो कि स्टडी ऑफ लाइट है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक फिजिकल ऑप्टिक्स है और दूसरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम देखते हैं कि लाइट को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी मदद से हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज या एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो जो चैप्टर 10 का पहला हिस्सा है, इसमें हम देखेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, लेंजेस, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। अगर हम अपनी आंख के बिल्कुल सामने कोई चीज़ रखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती, वो हमें ब्लर्ड नज़र आती है। फिर अगर हम उस चीज़ को दूर लेके जाते जाएं तो एक ख़ास डिस्टेंस के बाद वो चीज़ हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद कोई चीज़ हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि इसके नाम से भी जाहिर है। इसके अलावा इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं और इंसानों के लिए ये पॉइंट तकरीबन 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। The least distance of distinct vision for a normal eye is 25 centimeter. बाकी के options गलत हैं, ये हमारी book में given है 25 centimeter. The least distance of distinct vision increases with increase in age, decreases, neither increases nor decreases, becomes infinite after 70 years. इस question को हम common sense से solve करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम आँख के structure और उसकी details में जाएं। Least distance क्या होता है कि इस distance के बाद मुझे चीज़ें clear नज़र आती हैं और इससे कम distance में मुझे blur नज़र आती हैं। अगर मैं किसी चीज़ को, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा डिस्टेंस ये कम हो जाए आँख का, तो फिर क्या होगा, मुझे कम डिस्टेंस के बाद चीज़ें क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और फिर इसके इस डिस्टेंस के बाद फिर मुझे चीज़ें क्लियर ही नज़र आती रहती हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर मेरी नज़र और अच्छी हो गई, मगर एज के साथ हमारी नज़र कमज़ोर होती है। तो ये वाला ऑप्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज गलत है। अगर इंक्रीज होता है डिस्टेंस तो फिर क्या होता है कि अब एक रेंज है जिसमें मुझे चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं, वो रेंज बढ़ गई है, इसका मतलब है मेरी करीब की नज़र कमज़ोर हो गई है। तो एज के साथ हमें पता है नज़र कमज़ोर होती है, तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज करेक्ट इसका जवाब है। तीसरा ऑप्शन नीदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज उस केस में होगा जब किसी की नज़र कमज़ोर ना हो, तो ऐसा हो सकता है, मगर जनरल पॉपुलेशन की नज़र कमज़ोर होती है इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। बिकम्स इन्फिनिट आफ्टर 70 ईयर्स का मतलब है कि ये डिस्टेंस इन्फिनिट होने का मतलब है कि मुझे फिर ब्लर ही नज़र आएगा, मुझे क्लियर नज़र नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, मगर आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज जो उन्होंने लिखा हुआ है ये बात अजीब है क्योंकि ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन इतना सेंस नहीं बना रहा, इसलिए ये भी गलत है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि इसकी मदद से हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादातर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लेंस मौजूद होते हैं। लेंस क्या होता है, ग्लास या प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की शेप ऐसी होती है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो सेंटर से थिक होता है और साइडों से पतला होता है। इसके बरक्स एक शेप होती है जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, जो सेंटर में से थिन होती है और साइडों से उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनकी वेरिएशंस होती हैं जिसमें इनकी एक साइड प्लेन हो सकती है, जिसको प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। लाइट जब एक कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो लाइट की पैरेलल रेज किस तरह एक्ट करती हैं कि जो रेज सेंटर में से गुजर रही होती है उसके लिए अगर इस लेंस की थिकनेस थोड़ी कम हो तो ऐसे ही होता है जैसे वो एक स्ट्रेट शीशे में से गुजर रही हो, उसकी रिफ्रैक्शन होती है, वो लाइट यानी थोड़ी सी बेंड होती है मगर वो नेग्लिजिबल होती है। तो हम कहते हैं कि सेंटर में से जो रे गुजर रही है वो तकरीबन स्ट्रेट गुजर जाती है और जो ऊपर से और जो नीचे एक्सट्रीम से रेज गुजर रही होती हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं, और चूंकि लेंस की विड्थ चेंज हो रही है तो हर रे डिफरेंट फासला तय करती है, तो जब वो निकलती है हर रे मुख्तलिफ एंगल पे निकलती है, इस तरह के वो सब रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही होती हैं। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, जो ऊपर से आ रही है वो और ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही होगी, इसी तरह नीचे वाली रे ऊपर की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही होगी। यूँ ये रेज सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसको उस लेंस का फोकल पॉइंट कहते हैं क्योंकि उस पर वो फोकस हो गई, और सेंटर से लेके इस फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से रेज कन्वर्ज हो रही हैं इस पॉइंट पे, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस इसके ऑपोजिट होता है, जिसमें वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, उसमें से जब पैरेलल रेज गुजरती हैं तो उनकी रिफ्रैक्शन इस तरह होती है कि वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती हैं। अगर ये नॉर्मल है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती हैं। इसकी फोकल लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो डाइवर्जिंग रेज होती है इनको हम पिछली साइड पे प्रोजेक्ट करते हैं और ये जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं
उस पॉइंट को हम इसका फोकल पॉइंट कहते हैं। इसकी मदद से चूंकि रेज डाइवर्ज होती हैं इसलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई चीज रखें तो उसका कैसा इमेज बनता है। हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक केस में हम लेंस के फोकल लेंथ से बाहर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक केस में हम उसके फोकल लेंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये दो केसेस हम सिर्फ इसलिए कंसिडर करें क्योंकि हम आगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली यही दो केसेस देखेंगे। तो फर्स्ट केस में इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, वो इस लेंस से टकराती हैं और फिर इस फोकल पॉइंट में से गुजरती हैं, और जो रेज सेंटर में से गुजरती हैं वो स्ट्रेट निकल जाती हैं। एक पॉइंट पे आके ये दोनों रेज कन्वर्ज होती हैं और उस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है। मगर जब हम इस ऑब्जेक्ट को सेकेंड केस में इस फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो फिर वो रेज कन्वर्ज नहीं करती हैं। वो जब इस लेंस में से गुजरती हैं तो वो फोकल पॉइंट में से गुजरती हैं लेकिन वो डाइवर्ज हो जाती हैं कन्वर्ज होने के बजाय, क्योंकि ये इसके बहुत करीब होता है। तो फोकल पॉइंट में से जो गुजरी होती हैं और जो स्ट्रेट गुजरी होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं कन्वर्ज होने के बजाय, और ये कन्वर्ज इस लेंस के दूसरी तरफ जाके, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लें तो ये रेज दूसरी डायरेक्शन में जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, और उस पॉइंट पे अगर मैं इसको नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, उस पॉइंट पे आके हमारे पास एक इमेज आ जाता है जो मैग्नीफाइड होता है, मगर वो उसी साइड पे होता है जो साइड पे हमारी ऑब्जेक्ट पड़ी होती है। टू ऑब्टेन पैरेलल रेज फ्रॉम द हेडलाइट ऑफ अ कार इट मस्ट बी फिटेड विद हेडलाइट ऑफ अ कार, एक लाइट सोर्स है, इसमें से रेज निकलती हैं जो थोड़ी डाइवर्ज हो रही होती हैं। हम चाहते हैं ये प्लेन पैरेलल जाए स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो हम उसके लिए क्या करें, उसके सामने हम किस किस्म का लेंस फिट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर इन फ्रंट ऑफ द हेडलाइट। अब ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तीन ऑप्शंस में वो कह रहे हैं कि हम उसके आगे मिरर फिट करें। मिरर जो होता है उसमें से लाइट गुजर नहीं सकती, उसकी एक साइड ओपेक होती है, तो हम हेडलाइट के आगे मिरर नहीं फिट करना चाहते क्योंकि उसमें से फिर लाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए ये सब ऑप्शंस गलत हैं जिनमें मिरर है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, और वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो अगर हम लेंस उसकी इस तरह रखें या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तो हमारी रेज मुकम्मल तौर पे कन्वर्ज नहीं होगी बल्कि हम उनको पैरेलल कर सकते हैं। अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस इज कॉन्केव लेंस होता है। ऑप्शन डी हमारे पास कॉन्केव लेंस है। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमने देखा लाइट रेज जब गुजरती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इसलिए बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। मैग्निफिकेशन, हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। और हमने कितने गुना किसी चीज़ को बड़ा किया है इसको हम इस तरह नापते हैं। ये एक रेशियो होती है कि साइज ऑफ इमेज क्या है जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें दे रहा है, डिवाइडेड बाय किसके रेफरेंस से हम देख रहे हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हम किसी भी चीज़ के लिए मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं और फिर उसको करीब ले आते हैं अपनी आंख के तो वो बड़ी हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इसमें मैग्निफिकेशन हुई और उसको मैं इस फॉर्मूले से मेजर कर सकती हूँ, इस रेशो से। मगर मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हम खसूसी तौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास बराबर होती है, अगर हम किसी चीज़ को नेकेड आई से देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे एक एंगल प्रोजेक्ट करती है, इसको अगर मैं अल्फा कह दूं, और फिर इसी चीज को मैं किसी लेंस या इसकी जगह कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हो सकती है, इससे मैं उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखती हूँ। ये अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसका इमेज है। वो इमेज मेरी आंख के ऊपर जो एंगल प्रोजेक्ट करेगा उसको हम बीटा कह देते हैं। तो जो एंगल इमेज ने प्रोजेक्ट किया उसकी रेशियो लेते हैं, जो एंगल ऑब्जेक्ट ने प्रोड्यूस किया था नेकेड आई के ऊपर, इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। जो कैमरा होता है, मोबाइल कैमरा या कोई भी कैमरा, उसकी एक रेजोल्यूशन होती है जो सबको पता है। अगर हमें एक हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, मसलन 10 मेगापिक्सल के कैमरे से मैं एक लैंडस्केप की तस्वीर खींचूं जिसके ऊपर दो पहाड़ हैं और सामने एक नदी है, तो मुझे पता चलेगा कि ये दो पहाड़ हैं। मगर अगर मैं इसी लैंडस्केप को एक लो रेजोल्यूशन के कैमरे से कैप्चर करूं तो फिर मुझे इन दो पहाड़ों की जगह एक ब्लर सा नजर आ रहा होगा। मुझे पता चलेगा ये एक पहाड़ है, मगर मुझे शायद लगेगा ये एक पहाड़ है और फिर उसके आगे एक नदी है, यानी मुझे कम डिटेल्स नजर आएंगी। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन ये होती है कि वो हमें कितनी डिटेल्स दिखा रहा है, किस हद तक वो हमें दो चीज़ों को दो दिखा रहा है, उनको मर्ज करके एक नहीं बना रहा। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? हमने कहा कि हर
ऑब्जेक्ट एक लेंस से अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर एक एंगल प्रोजेक्ट करती है। जो अगर हम इससे छोटी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो इससे कम एंगल प्रोजेक्ट करेगा। इस एंगल को मैं अल्फा कह देती हूँ। तो कितनी छोटी चीज़ को मेरी ऑब्जेक्ट मेरी मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख पा रहा है, इसको मैं एंगल की टर्म्स में डिफाइन कर देती हूँ कि एक अल्फा मिनिमम वो छोटा तरीन एंगल है जो छोटी तरीन चीज़ मैं देख सकती हूँ उसका एंगल। 1 ओवर ये वाला एंगल जो है वो मेरी रेजोल्यूशन है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये 1.22 टाइम्स लेमडा उस वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ जिस लाइट से मैं उस चीज को देख रही हूँ उसकी वेवलेंथ लेमडा डिवाइडेड बाय डी जिस लेंस से मैं उस चीज को देख रही हूँ उस लेंस का डायामीटर। ये मेरी रेजोल्यूशन मुझे बताता है कि मेरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन कितनी है। ये दो दो सोर्सेज मुझे एक करके क्यों नजर आते हैं अगर मैं उसको लेंस से देखूं? दो लाइट सोर्सेज, इसकी वजह डायफ्रेक्शन है। डायफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी है लाइट की, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट सोर्स वेव फ्रंट्स एमिट करता है और उस वेव फ्रंट के ऊपर हर हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स होता है वो वेवलेट्स एमिट करता है और ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करते हैं और जिसकी वजह से मुझे डायफ्रेक्शन फ्रिंजेस नजर आती हैं। अगर मैं किसी लाइट सोर्स को करीब से देखूं तो उसके गिर्द मुझे डायफ्रेक्शन फ्रिंजेस नजर आएंगी। अगर दो लाइट सोर्सेस करीब हों तो उनकी डायफ्रेक्शन फ्रिंजेस आपस में मर्ज हो जाती हैं और अगर मेरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन कम हो तो फिर ये मर्ज होकर फिर मुझे एक ही सोर्स नजर आना शुरू हो जाता है।